नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSP पे। तो दोस्तों, हम अभी तक बात की थी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट स्टार्ट किया। उस प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने किया टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन। शायद आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। शायद आपको पता होगा, शायद आपने बचपन में सुना होगा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, सुना होगा। अच्छा, बचपन ही चल रहा है क्या, कोई बात ना, अभी मैं बता दूंगा, नहीं सुना तो। पर अगर जिसको पता है वो कमेंट करना। ओ वेरी गुड, मेरे पास एक कमेंट आया है जो क्या हो, सार्वभौमिक सत्य। क्या हो, सार्वभौमिक सत्य, वेरी गुड। अच्छा, एक और कमेंट आया है, लिखा है जो हर जगह सही हो। तो भैया आप किस किस से पूछते फिरोगे कि ये सही है या गलत, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना यूनिवर्सल ट्रुथ का। तो आज हम उसको तसल्ली से समझने वाले हैं कि आखिर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं और आज तक हमने कैसे पढ़े और अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं। कहानी को बड़े अच्छे से समझेंगे। देखियो, पहले मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 2 है, उसी प्रेजेंट इंडेफिनेट का पार्ट है, टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ। शायद आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की, जिसको आज तक आपने समझा था किस नाम से, सार्वभौमिक सत्य, जो कि हर जगह सही हो। तो भाई, मैंने आपको अभी कहा था कि आप किस किस से पूछते फिरोगे या सही है गलत। चलो इसका एग्जांपल देता हूँ। शायद आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देखते ही सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने आया होगा, क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वेरी गुड। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या ये सेंटेंस सही है, द सन राइजेस इन द ईस्ट सही है। मैं कहता हूँ गलत है, दावे के साथ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आखिर ये सेंटेंस कैसे गलत है। चलिए मेरे साथ दोस्तों, मैं आपको इसी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी चित्र, सुंदर सी आकृति बना के दिखाता हूँ। ये है अपना सन, फील आया नहीं, अच्छा अभी फील आया, हाँ फील लेने ही बैठे हो आप, पढ़ना थोड़ी है आपको। चलो कोई बात नहीं, ये अपना हुआ सन। आपने कहा जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में, इसको मैं अभी गलत, रॉन्ग प्रूव करने वाला हूँ। सेंटेंस मैं एक बार यू थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, वेरी गुड। आपने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये मैंने लिखा है एस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपने कहा जो सन है वो अपना ईस्ट में राइज होता है, कोई बात नहीं दोस्तों। अभी हम देखो इसको कभी गलत कर देते हैं। मैंने एक बहुत सुंदर सी बना दी, क्या, हाँ वेरी गुड, क्या बना दी, पृथ्वी, क्या ये, अच्छा एक छोटी बड़ी हो गई क्या। चलो कोई बात ना, ये अपनी क्या है, अर्थ। शायद आपको पता है इसकी क्वालिटी है सन की, ये क्या रहते हैं, ये वहाँ से रहते हैं फिक्स्ड, और अपनी जो सन है, सॉरी ये जो अपनी अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, बड़ी चंचल है, बड़ी चलायमान है, ये क्या है, यहाँ से गोल गोल घूमती रहती है। क्या ऐसे क्या होता है क्या ऐसा कि ये गोल गोल घूमती रहती है। इसे हम जानते हैं किस नाम से, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। द अर्थ का रिवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाने का काम होता है इसका रिवोल्यूशन, ठीक है। अभी बात करते हैं हम इसका एक और रिवोल्यूशन होता है अपने ही एक्सिस पे, ये ऐसे भी रिवोल्यूट करती है। तो कहानी आपको समझ में आई होगी, अभी शायद आप समझ पा रहे हो, ये जो अर्थ है, ये अर्थ खुद चक्कर लगाती है, ना कि बेचारा सूर्य। और हम लिखने को क्या बोलते हैं कि भाई ये जो सूर्य है ये यहाँ से उदय हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, सूर्य उदय और इधर सनसेट, इधर सनराइज और इधर सनसेट। अभी आपको कहानी समझ में आई होगी कि ये बेचारी अर्थ है जो खुद
क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है किसके चारों ओर, सन के। और हम क्या किसी को दोषी ठहराते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और ये बेचारा ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कैसे? अरे मूर्खानंदो, इधर देखिए क्या अर्थ अर्थ राइज करती है, सॉरी अर्थ मूवमेंट करती है, फिर सन मूवमेंट करता है। कौन मूवमेंट कर रहा है? अरे भाई हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। कहानी समझ में आई क्या? अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अरे सन हमें दिखता तो है इधर से उधर जाते हुए। अब आप कैसे कह सकते हो, मतलब जो आपकी आंखों को दिखता है वही सही है? आंखें बंद करना, क्या रात हो गई? रात हो गई क्या? नहीं हुई ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि इधर से मुझे दिख रहा है उदय होता हुआ, उधर छिपता हुआ दिख रहा है, तो ये सनराइज हो गया, ये सनसेट हो गया? ऐसे नहीं होता भैया, आपके दिखने से कुछ नहीं होगा, आपको पता नहीं क्या क्या दिखता है, ठीक है? जो क्या है, इसके लिए मैंने एक पहला पॉइंट बनाया। तो ये सेंटेंस मैंने क्या गलत प्रूव कर दिया ना, ये सनराइज इन द ईस्ट नाव के क्या होगा इसका अल्टरनेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर अपनी नोटबुक में बनाना चाहो तो बना सकते हो इन फ्यूचर याद रखने के लिए। तो मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट क्या है अपना सेंटेंस है? गलत है। तो सर इसका सही सेंटेंस तो बताओ फिर क्या है, अगर सन राइज नहीं होता तो क्या है बता दूं क्या फिर? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, कहानी समझ में आई क्या भैया, कि जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व करती है किसके चारों ओर, सन के चारों ओर। बात समझ में आई क्या? चारों ओर चक्कर कौन लगाती है, अर्थ, ना कि सन। सन बेचारा चुपचाप बैठा है। तो इस बात को समझा के मैंने एक पॉइंट बनाया और वो पॉइंट का नाम क्या है देखना दोस्तों, उसी पॉइंट को हम जानते हैं किस नाम से। तो हमने देखा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना वो किससे बनता है, पॉइंट नंबर वन क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वो क्या कहाँ होते हैं, जो साइंस ने प्रूव कर दिए, वो कौन से में आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में। हम उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं जो साइंस ने प्रूव किया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहानी आपको समझ में आई होगी, जो वाटर क्या है फ्रीज होने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बात हमने देखी कि साइंस ने प्रूव किया भैया, जब साइंस ने प्रूव किया तो हमें क्या पता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हमें क्या कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ, SCIS वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहानी समझ में आई क्या? इसी के लिए एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, हॉट एयर गोज अपवर्ड्स। मैंने लिखा जो हॉट एयर है वो क्या है, गोज अपवर्ड। सॉरी इस सेंटेंस को एक बार मैं रफ कर देता हूँ, मैंने इसके पहले लिखनी है बात, द अर्थ इज pulling everything, the earth is pulling everything downwards। एक देखना एग्जाम्पल मैंने लिखा, जो अर्थ है वो क्या है, हर एक थिंग को अपनी ओर खींच रही है। शायद आप ये आपको पता है कि ये साइंस का ही एक रूल है, कौन सा, ग्रेविटेशन का ना। वेरी गुड दोस्तों, आपको साइंस भी आती है, बहुत अच्छी बात है कि जो अर्थ क्या है सब कुछ अपनी ओर खींचती है। तो क्या हमने देखा साइंस ने प्रूव किया है, तो हम क्या करेंगे, इस पुलिंग को हटा के क्या कर देंगे, पुल्स। मैंने कहा द अर्थ इज पुलिंग ना होके क्या हो जाएगा, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। तो क्या जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये हर जगह सही है, सार्वभौमिक सत्य वो बातें हैं जो हर जगह सही होती है, तो हमें भी टीचर ने यही करवाया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हर जगह सही हो। तो मेरे जब मैंने ये एग्जांपल देखा तो मेरे मन में एक बात आई, और बात क्या थी कि अगर सब कुछ अपनी ओर खींचती है क्या ये बात सही है। तो मैंने क्या किया, इस बात को गलत करने के लिए हमने एक अपने ताऊ के पास गया मैं। अब ताऊ को जाके मैंने बोला कि सर ताऊ जी हमारे टीचर ने ये बताया है कि द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, जो क्या है अर्थ है वो सब कुछ अपनी ओर खींचती है।
तो ताऊ बोला के बात करे, मान तो कौन बताया कोई। फिर उसने कहा या तो कौन उसके, उसने अपने पॉकेट से निकाली बीड़ी, लगाई अपने जुबान पे ऐसे करके। अब ये ऊपर कैसे जा रहा है वे, तूने तो कहा था मेरे को, क्या कहा था कि सब कुछ नीचे आएगा, तो ये ऊपर कैसे जा रहा है। तो भाई मैंने भी ये बात जाके पूछी, सर हमारे टीचर ने तो ये कह दिया, सॉरी हमारे ताऊ ने तो ये बता दिया कि ये धुआं ऊपर कैसे जा रहा है। तो वहीं हमारे टीचर ने हमें कहा, वो टीचर कौन था, निखिल सोनी, उन्होंने मुझे कहा कि जो हॉट एयर्स है, हॉट एयर गोज अपवर्ड्स, क्या है जो, क्या है जो हॉट एयर्स होती है वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाती है। ये भी किसका रूल है, साइंस का रूल है। तो हमने क्या किया, हॉट एयर इज गोइंग ना करके हमने कहा हॉट एयर गोज अपवर्ड्स। कहानी समझ में आ रही है कि पहला पॉइंट हमने क्या बनाया, साइंटिफिक फैक्ट्स। तो साइंटिफिक फैक्ट उसके मैंने एग्जांपल लिखाए हैं, आप शायद इनको लिख भी सकते हैं अगर आप चाहो तो। फिर मैं आगे चलता हूँ रफ करके। शायद आपको बातें समझ में आ रही होगी कि आखिर यूनिवर्सल ट्रुथ बनते कैसे हैं। तो दूसरी बात मेरे सामने आई है, पॉइंट नंबर बी, मैथमेटिकल फैक्ट। दोस्तों साइंटिफिक फैक्ट में वो सारी साइंस के ब्रांचेस भी आएंगे, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी बातें, इनके फैक्ट भी साइंटिफिक फैक्ट में ही आते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैथमेटिकल फैक्ट्स की, आखिर ये कैसे होते हैं। एग्जांपल देखना, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच। शायद आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो थ्योरम है ये किसने दी है, मैथ ने दी है। और जो थ्योरम जो मैथ ने दी है वो सारी थ्योरम्स कहाँ आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और वो होती क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जो मैथ ने कह दिया वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जो मैथ के फैक्ट हैं, जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं, वो सारे क्या आएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ में। और आखिर यूनिवर्सल ट्रुथ कौन से टेंस में आता है, वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एग्जाम्पल समझ में आया मैथमेटिकल फैक्ट का। इसके बाद बहुत अच्छी बात आती है सामने देखने को, फिलोसॉफिकल, मैंने लिखा फिलोसॉफिकल फैक्ट। क्या लिखा मैंने, फिलोसॉफिकल फैक्ट। अब इस फिलोसॉफिकल फैक्ट को समझने के लिए, मैं इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने इसको ब्रेक किया, फिलोसफी, ये क्या है, फिलोसफी, ठीक है। अब इस फिलोसफी को भी आप नहीं समझ पाए होंगे, इसको फिर से मैं समझाऊंगा और अच्छे से रूट लेवल पे समझेंगे। मैंने दोनों को अलग अलग किया, पहला मेरे पास आया फिलो, दूसरा आया सोफी, ठीक है। फिलो का मतलब होता है लव, सभी के चेहरे पे एक है ना मुस्कुराहट आ गई है लव के सुन, लव नाम सुनते ही भाई सभी के सभी दिल जले हैं। सोफी का मतलब मैंने बताया विजडम, ज्ञान से भरा पड़ा, विजडम मतलब ज्ञानी, ठीक है। फिलो का मतलब मैंने बताया लव, और सोफी का मतलब मैंने बताया विजडम। अब आपने वो सुना होगा, प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही जिंदगी है, प्यार क्या है, जिंदगी, प्यार नहीं तो जिंदगी नहीं है ना, वेरी गुड। लव का मतलब क्या हुआ, लव को मैंने रिलेट किया किससे, लाइफ से, किससे, लाइफ से। और ये जो लाइफ है, इस लाइफ का जो ज्ञान हमें मिलने वाला है, ये जो लाइफ मैंने किया, क्या है, फिलो मतलब लव, और लव ही क्या है, लाइफ। और लाइफ का जो ज्ञान हमें मिलने वाला है वो क्या होगा, फिलोसॉफिकल फैक्ट। इसके एग्जांपल कैसे मिलने वाले हैं दोस्तों, आपको बात समझ में आएगी, देखना। मैंने एग्जांपल लिखा इसका, डेथ कम्स टू ऑल, मैंने लिखा मौत सभी को आनी है, और ये क्या है, फिलोसॉफिकल फैक्ट है। और जो किस में आएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ में। आज तक आपने पढ़ा होगा कि मौत तो सभी को आती है, सर यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। पर कभी जानने की कोशिश की यूनिवर्सल ट्रुथ में भी कौन सा फैक्ट है, कौन सा फैक्ट बताया मैंने आपको, फिलोसॉफिकल फैक्ट। और आगे हम एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही शानदार बात अपने सामने आने वाली है। मैं एक बार इनको रफ करके चलूंगा, आप ये एग्जाम्पल भी लिख लेना,
इन फ्यूचर काम आएगा, क्योंकि आपको भी पता है मौत सभी को आनी है। याद रखना ये बात, मौत है सभी को आनी है। एक बार इसको भी मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पॉइंट नंबर 3 अपना था, फिलोसॉफिकल फैक्ट। पॉइंट नंबर 4 अपने पास आया है, साइकोलॉजिकल फैक्ट। मैंने लिखा साइकोलॉजिकल फैक्ट, अब क्या आपको पता है साइकोलॉजी क्या होती है? नहीं ना, इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो आपको नहीं पता वो मैं बताऊँगा। अब इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने एक वर्ड उठाया, उसका नाम था साइकोलॉजी। क्या लिखा मैंने? साइकोलॉजी, ठीक है। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए मैं इसको फिर से 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा और उनके रूट लेवल पे हम समझने के लिए मैंने इसको ब्रेक किया। एक अपने पास आया साइक, एक आया ओलॉजी। अब साइक का आपको पता ही है कि साइक होता क्या है। साइक होता है बिहेवियर, साइक क्या होता है? बिहेवियर। और बिहेवियर को आप जानते हो क्या? कौन सा बिहेवियर? अरे भाई किसका बिहेवियर? ह्यूमंस का बिहेवियर। किसका बिहेवियर? ह्यूमंस का बिहेवियर। और इधर सर ओलॉजी क्या होता है? ओलॉजी होता है स्टडी ऑफ, कि जिस सब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं उसके आगे हम कभी कभी क्या लगा देते हैं? ओलॉजी। जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी। बात समझ में आ रही है आपको? ओलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ। अगर हम किसी एक सब्जेक्ट पे सब स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसके सामने ओलॉजी लगाते हैं। जैसे कि अब हम क्या करने वाले हैं? ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करने वाले हैं। किस पे? ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करने वाले हैं। और जब ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करेंगे तो हमें कुछ एक फैक्ट पता लगने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, कौन से एग्जांपल? लव चेंजेस ए पर्सन। क्या लिखा मैंने? लव चेंजेस ए पर्सन। क्या है? कि प्यार है वो इंसान को बदल देता है। तो ये क्या है? एक इंसान की फितरत है, एक इंसान का ह्यूमन नेचर है कि उसे प्यार से हम बदल सकते हैं और उनको झगड़ के ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। उनके साथ हम उसको डांट फटकार के हम उसको नहीं समझा सकते, बस एक प्यार ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंसान को समझा सकते हैं और उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये सेंटेंस देख के पता नहीं आप लोग कहाँ चले जाते हो कि लव चेंजेस ए पर्सन, कि प्यार में लोग बदल जाते हैं। अरे भाई मेरा कहने का मतलब है कि प्यार से आप किसी को समझा सकते हो, किसी को बदल सकते हो, किसी को डांट फटकार के ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, हम तसल्ली से एक बार फिर रिविजन कर लेते हैं। टू मैंशन यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए कि आखिर यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किन किन फैक्ट से बनते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ आपने पढ़ लिया, सार्वभौमिक सत्य जो हर जगह सही हो, तो भाई हर जगह सही आप किसी से पूछोगे नहीं, आपको पता लग जाएगा कि साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल फैक्ट है। ये अलग अलग फैक्ट को मैंने कैटेगराइज किया और हमें पता लग गया कि ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ के एक पार्ट है। तो हम आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। कल हम एक और पॉइंट उठाएंगे, कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं सारा कुछ आपको बता दूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को भी ये वीडियोज़ की लिंक शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से इनको समझ पाए कि आखिर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं और उनके ये जो आपके एक अलग धारणा बनी हुई है यूनिवर्सल ट्रुथ को लेके, कि जब भी आपके सामने ये बात आती है यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, आप कहते हो सार्वभौमिक सत्य, वही सार्वभौमिक सत्य को आप साइड में रखो, इंग्लिश की बातें इंग्लिश में करते हैं, कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। इन सभी के मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए और इनके मीनिंग भी समझाए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं निखिल सोनी।